नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका KIA में। दोस्तों, आज फिर से हम वही प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं, हमारा नेता कैसा हो। इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि जो शहर में मेयर के चुनाव होने हैं, उन मेयर के चुनाव में कौन प्रत्याशी, कौन उम्मीदवार, कौन दावेदार सबसे अच्छा है, या कौन अच्छा होना चाहिए, एक अच्छे दावेदार के अंदर क्या गुण, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं शहर के युवा व्यक्ति हैं, वो युवा नेता भी हैं, और शहर में एक अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज की कंपनी चलाते हैं, मिस्टर रोहित कटारा जी। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद रोहित जी। सबसे पहला सवाल, चूंकि जो हमारा प्रोग्राम है हमारा नेता कैसा हो, तो कैसा आपके, क्योंकि एक आप युवा हैं और जो हमारा देश है वो भी युवा देश कहा जाता है, युवाओं का देश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है, तो आपके नज़रिए से हमारे देश का नेता, हमारे शहर का नेता कैसा होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी इस न्यूज़ एजेंसी में बुलाकर मेरे से ये सवाल पूछा। मैं युवा हूँ तो युवा के नाते युवा की ही बात करूँगा जी। फिरोजाबाद के अंदर जो महापौर के चुनाव होने जा रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के अंदर फिरोजाबाद की सीट पर भी जो आवेदन हुए हैं, नॉर्मल तरीके से यही बात बताऊंगा कि न तो ये MLA का चुनाव है ना MP का चुनाव है, ये फिरोजाबाद के प्रथम नागरिक महापौर का चुनाव है। और आप जनता भी जानती है कि MLA MP के लिए एक्सपीरियंस होल्डर को उतारा जाता है, और शहर के प्रथम नागरिक के लिए मैं तो यही कहूंगा कि किसी युवा को टिकट दी जाए तो युवा सोच वाला हो, ईमानदार व्यक्ति हो, युवा के साथ हर कदम पर खड़ा होने वाला हो, चाहे समाज का कोई भी दुख हो चाहे सुख हो, उसके साथ हर व्यक्ति की तरह खड़ा है। महापौर होने के बाद भी वो अपने आप को महापौर न मानते हुए समाज के हर सुख दुख के साथ खड़ा हो, ऐसा हम लोगों को महापौर चाहिए युवा प्रत्याशी के नाते। तो शहर का प्रथम नागरिक जो महापौर है, उसमें आप युवा के अलावा और क्या गुण देखते हैं, कि क्या क्या गुण होने चाहिए उसके अंदर? क्वालिटी तो नेतानगरी वाली होनी चाहिए, लेकिन नेतानगरी करने वाला नहीं, समाज के साथ मिलकर चलने वाला। एक नेता वो होता है कि डायरेक्टली फोन पर बोला आपका काम हो जाएगा, एक नेता वो होता है तुरंत फोन से कह दिया भैया आपका काम मैं अभी कराने के लिए किसी न किसी भेजता हूँ या मैं संज्ञान में लेता हूँ। ठीक है, नेतानगरी करने वाले के व्यक्ति आप वर्तमान में ले लीजिए, मैं किसी को इशारा या टिप्पणी नहीं करूंगा कि आपका काम, हम आप हमारे महापौर हैं और हमने आपसे किसी काम की बोला, तो हमें लगता है कि हमारा फोन उठना चाहिए, और आपका फोन ही हमारा नहीं उठेगा तो हमारा काम कहाँ से किया जाएगा। महापौर माने कि शहर का प्रथम नागरिक, शहर के सारे व्यक्तियों के लिए एक आवाज पे खड़े होने वाला व्यक्ति। अगर वही महापौर हमारे काम की, हम सोचते हैं कि हमारा ये काम होना चाहिए, गलियों में सफाई नहीं होती है आजकल, पार्षद के तौर पे जो है पार्षद अपनी मनमानी करते हैं, सफाई कर्मचारियों से पैसा लेते हैं, और पार्षद जब उनसे कहते नहीं सुनता है वो, तो हमारा ध्येय क्या रहता है कि हम महापौर से बोलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, और जब हमारा काम महापौर ही नहीं कराएंगे तो हम किससे बोलने जाएंगे। नॉर्मल समय में जो अभी समय देखा जाए, हालांकि काम तो अच्छा किया है, स्मार्ट सिटी जो फिरोजाबाद बोला जाता है, हमें स्मार्ट सिटी, जब हम बाहर की सिटियों में जाते हैं तो फिरोजाबाद की अपेक्षा वो बाहर की सिटी स्मार्ट सिटी लगती है, लेकिन फिरोजाबाद नहीं लगता है। लगता तो है लेकिन हाईवे पे लगता है। स्मार्ट सिटी जब नाम दिया गया, हम बाहर की सिटियों को देखते हैं, हमें ऐसा महापौर चाहिए जिसको वाकई में व्यक्ति जब फिरोजाबाद को देखे तो स्मार्ट सिटी वाकई में लगनी चाहिए। नहीं, न लगने का एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी समय अधिक नहीं हुआ है, बाहर की किसी भी स्मार्ट सिटी में जाते हैं या किसी बड़े शहर में जाते हैं, बड़े महानगर में जाते हैं, तो वो काफ़ी समय से महानगर है, हमारे को अभी 5 साल हुए हैं, तो एक समय भी ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, कम समय है, तो उसके हिसाब से काम होंगे धीरे धीरे करके, तो उसमें थोड़ा सा समय और चाहिए। शायद अब की बार जो 5 साल मिलेंगे उसमें काफ़ी अच्छा काम हो जाए। काम अच्छा हो, अच्छा तो जब ही होगा ना जब किसी अच्छे युवा नेता को लाके खड़ा किया जाए, इसके अंदर संगठन की प्रॉपर्टी हो। अच्छा, संगठन भाव से सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हो, जब सबको साथ लेकर चलेगा तभी फिरोजाबाद आगे बढ़ सकता है, स्मार्ट सिटी दिखेगा, क्योंकि अकेले चलने से ना तो फिरोजाबाद आगे बढ़ सकता है ना स्मार्ट सिटी। अच्छा, स्मार्ट सिटी आप किन मायनों में मानते हैं शहर को? स्मार्ट सिटी माने की गलियों की सफाई, लाइटिंग,
रोडों की व्यवस्था है, चौराहों पर जो जाम की समस्या फिरोजाबाद में ज्यादातर रहती है, ये जो लाइट लगाई गई है अभी परिवहन विभाग के द्वारा, इनमें जब इनका नियम ना होगा तो स्मार्ट सिटी माने कि जब लोगों को निकलने की सुविधा या ट्रैफिक लाइट की बात करता हूँ, उस पर जब निकलने की पूरी सुविधा ही नहीं होगी, स्मार्ट सिटी माने कि हम अन्य शहरों के लिए आगरा में चले जाएं, तो वहां तुरंत जीरो पे होने के बाद गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि वहां स्मार्ट सिटी के रूप में जो लाइटें लगाई गई उनका पालन भी होता है, जाम की समस्या निजात रहती है। फिरोजाबाद के 3-4 चौराहों को आप ले लीजिए, जहां जब जिस भी समय जाएंगे आपको जाम ही लगा मिलेगा। बरी का नगला चौराहा ले लो, स्वास्थ्य सरकारी हॉस्पिटल के सामने वाली रोड ले लीजिए आप। आप आगे बढ़ेंगे तो जैन मंदिर चौराहे से थोड़ा और आगे बढ़े बरी की नगला चौराहा, और तुम्हारा जलिसर रोड का जो नीचे क्लब चौराहा है, बीच में आप किस कॉर्नर वाले कॉलेज वाला गांधी पार्क कंपनी पार्क चौराहा ले लीजिए। तो समस्या की निजात लाइटिंग लगाने से नहीं, नियमों का पालन करने से। हमें ऐसा महापौर चाहिए जो अपने नियमों को बनाने के बाद अपनी मानसिकता से सोचने वाला हो। ठीक है, वर्तमान में जो महापौर थी वो युवा थी, आपने कहा कि कोई दूसरा भी युवा आना चाहिए, युवा है, अनएक्सपीरियंस्ड है, तो जब वो आएगा तो वो कहीं ना कहीं से तो ज्ञान लेगा, किसी दूसरे से ज्ञान लेगा, तो आप फिर उसको भी रिमोट कंट्रोल वाला कहेंगे? एक ज्ञान होता है संगठन की पेपर्टी वाला, एक ज्ञान होता है पर्सनल ज्ञान वाला। अच्छा, अगर आपने संगठन की पेपर्टी में काम किया है तो आप संगठन को सही तरीके से जानेंगे और संगठन के भाव से आप काम करेंगे। जो व्यक्ति आजकल, ये शास्त्रों का भी प्रमाण है, संगठन में ही शक्ति है, जब संगठन के तरीके से आप नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको यही बोला जाएगा। हमने भी अनेकों बार विरोध किया इस चीज का, फोन के लिए फोन करने का ना उठना, काम की कहने के बाद काम ना होना। अब बात करते हैं आमजन की समस्याओं की। ठीक है, तो ये आपने बताया कि शहर की साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, जो ट्रैफिक लाइट है वहाँ उसका पालन होना चाहिए, ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए चौराहे में, जो शहर में जाम की व्यवस्था है उसके लिए आपने बोला लाइटिंग के लिए बोला आपने, तो इन सब के अलावा भी आमजन की कुछ और भी समस्याएं होती हैं जो एक शहर के प्रथम नागरिक, शहर के मुखिया होने के नाते पूरी करनी चाहिए, तो क्या और ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिनको एक महापौर में वो चीज़ें होनी चाहिए? नॉर्मल व्यक्ति की समस्याएं ही रहती हैं कि उसके गली का निर्माण सही तरीके से हो जाए, उसका जैसे कि कोई भी काम रहता है, उसका आधार कार्ड के लिए कोई वो मांगा जाता है लेटर, तो उसको पास सकते घर के चक्कर ही काटने पड़ते हैं। अच्छा, महापौर के चक्कर ही काटने पड़ते हैं। शुरुआत में 1-2 साल तो महापौर अपने घर से ही नगर निगम चलाती थी। अच्छा, लेकिन अब तो नगर निगम में जब थोड़ा सुधार आया तो नगर निगम से नगर निगम चल रहा है। व्यक्ति की समस्याएं जो होती हैं, आप समस्या को ले लीजिए, जैसे उसको कोई किसी लड़के की नौकरी लगनी है तो उसका वेरिफिकेशन, एक तो पार्षद का लेटर मांगा जाता है, पुलिस प्रशासन का लेटर मांगा जाता है, पार्षद के लिए व्यक्ति घूमता रहता है लेटर लिखवाने के लिए। पार्षद तो लोकल का होता है, पार्षद लोकल का होता है, मोहल्ले का होगा। पार्षद के लेटर की नहीं मानी जाएगी तो महापौर के लेटर की जरूरत होती है, तो कार्य से लेटर तो मिल जाएगा, लेकिन भाई उसकी और भी तो समस्या होती है, उनके लिए उसको भटकना पड़ता है आमजन की समस्याओं के लिए। चलिए, कुछ दावेदार ऐसे हैं जो युवा हैं, कुछ दावेदार ऐसे हैं जो शिक्षित हैं, कुछ आईटी फील्ड से भी हैं, तमाम पार्टियां हैं, तो क्या लगता है आपको? और युवा, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, युवा आप किस कहते हैं, किस एज कैटेगरी को कहते हैं कि ये युवा है? दो तरीके से व्यक्ति युवा माना जा सकता है, एक तो वो शरीर से युवा माना जा सकता है, एक मानसिक स्थिति से युवा। माने कि जो 60 साल का व्यक्ति, अगर उसको भी टिकट दी जाए लेकिन उसकी सोच युवा है तो युवा कह सकते हैं आपको। अगर व्यक्ति 30 साल का, उसकी सोच युवा नहीं है तो उसको शरीर से तो युवा कह सकते हैं, दिमाग से युवा नहीं कह सकते। युवाओं के लिए काम करने वाला हो, युवाओं को आगे बढ़ाकर चलाने वाला हो, समाज की हर समस्या को युवाओं के साथ शेयर करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के लिए युवा ही दावेदार ठीक है। ठीक है, कोई ऐसा नाम आपके जहन में आता है कि फला व्यक्ति बन जाएगा तो शहर का अच्छा विकास कर पाएगा?
नाम तो किसी का नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये संगठन है, संगठन में सभी को साथ लेके चलना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं तो बनेगा तो कोई एक ही व्यक्ति। जो पार्टी चाहेगी, भाजपा चाहेगी या सपा चाहेगी, बसपा चाहेगी, कांग्रेस चाहेगी, जो पार्टी चाहेगी उसको युवा दावेदार को देगी, उसमें जो युवा की क्वालिटी होगी उसमें देखा जाएगा। ठीक है, अगर आपको महापौर बना दिया जाए, हालांकि आप दावेदार नहीं है, लेकिन सपोज अगर आपको महापौर बना दिया जाए तो आप क्या-क्या काम शहर के लिए करना चाहेंगे? पहले तो मैं उस कैटेगरी में ही नहीं आता कि मुझे महापौर बना दिया जाए उम्र के हिसाब से। अगर कोई पार्टियां चाहती हैं तो महापौर के जो काम होते हैं नियुक्त प्रथम नागरिक के हिसाब से, शहर को स्वच्छ वातावरण देना, सफाई का वातावरण देना, अन्य सिटियों की तरह अपने शहर में काम करवाना, शहर को जामों से निजात दिलाना, शहर के व्यक्तियों के लिए काम करना, हर व्यक्ति की समस्या के लिए खड़े रहना, 5 साल के अंदर 5ों साल काम करना, ये नहीं कि 2 साल शुरू के हमने घर बैठ के काम किया और 3 साल शहर में रह के काम करना। तो मेरा तो लक्ष्य ही रहेगा कि 5ों साल व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शहर की समस्याओं का निवारण करना, बाद बाकी सरकारी नीतियों का पालन करना। तो ये एक युवा की सोच है कि फिरोजाबाद का जो नया महापौर हो वो कैसा होना चाहिए। युवा, चूंकि ये युवा हैं तो इन्होंने बताया कि शहर का जो महापौर है वो युवा होना चाहिए। मन से व्यक्ति युवा होता है, तन से नहीं, ये भी रोहित जी ने कहा। और रोहित जी के विचार जो हैं वो उन्होंने अपने विचार रखे हमारे सामने। अगर आपके भी विचार हैं तो आप भी हमारे साथ अपने विचार कमेंट करके साझा कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर करके आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं कि रोहित जी और यानी हमारे शहर का कोई युवा किस क्या विचार रखता है और शहर का महापौर कैसा होना चाहिए, शहर का प्रथम नागरिक कैसा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबका धन्यवाद इस हमें प्रेम पूर्वक इतना सुनने के लिए।